टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय वाल्के हैप्पी होम्स। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। कथित भूमि घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने 12 दिसंबर को तलब किया है। आज अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना। इससे पहले पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उन्हें हाउस डिटेंशन में रखा गया है। सेंसेक्स में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, बाजार खुलते ही सेंसेक्स 70,000 के पार चला गया है, ऐसा पहली बार हुआ है। अफगानिस्तान के फैजाबाद में भूकंप आया है, रिश्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई है। सुबह 8:04 पर यह भूकंप के झटके लगे हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का शपथ ग्रहण समारोह 13 दिसंबर को होगा। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। अनुच्छेद 370 को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। इससे पहले घाटी में सुरक्षा हाई अलर्ट पर है, कोई भी वीआईपी मूवमेंट नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं रहेगी। सोशल मीडिया को लेकर भी साइबर पुलिस ने चेतावनी जारी की है और इस पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। राइटर्स ने ईरान के सरकारी मीडिया के हवाले से बताया कि पूर्वी ईरान के बीर जंद विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक छोटी रिफाइनरी में आग लगने से 2 विस्फोट हुए। रविवार देर रात उत्तरी इटली में कम गति से 2 ट्रेनें एक दूसरे से टकरा गई, जिससे कम से कम 17 लोग घायल हो गए हैं। कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है, अग्निशमक और ट्रेन ऑपरेटर ने इस बाबत सूचित किया गया है। बोरीवली वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर देवीपाड़ा मेट्रो स्टेशन के पास एक चलते मिक्सर ट्रक में आग लग गई, ट्रक ड्राइवर मामूली रूप से घायल हुआ है। एनआईए और महाराष्ट्र पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें उन्होंने 15 लोगों की गिरफ्तारी की है। महाराष्ट्र में इसिस मॉड्यूल से जुड़ी गतिविधियों पर उनकी कई दिनों से नजरें बनी हुई थी। छापेमारे में पुलिस ने 51 हमास के झंडे, 68 लाख रुपए कैश और एक पिस्तौल सहित कई अन्य चीजें बरामद की है। श्रद्धा हत्याकांड को 1 साल पूरा हो चुका है, आफ्ताब ने वारदात कबूल कर ली, पूरी कहानी बता दी। बावजूद इसके अभी भी कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। दरअसल इस पूरी कहानी की कड़ियों को जोड़ने वाले सबूत अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं, जबकि इसके लिए पुलिस ने आफ्ताब का नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट भी करा लिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने साकिब नाचन को हिरासत में लिया है। साकिब नाचन मुंबई में 2002-2003 के सीरियल रेल धमाके और मुंबई ब्लास्ट का प्रमुख आरोपी है। वह कई साल की सजा भी काट चुका है। शनिवार को एनआईए ने साकिब के साथ ही कई अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीरज साहू के झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में 9 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी अब अपने अंतिम चरण में है। रांची में साहू के घर पर भी नोटों की गिनती जारी है। इसके अलावा और सभी जगहों पर लगभग गिनती पूरी कर ली गई है। अभी तक 353.5 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की जा चुकी है। दक्षिण भारत के महान संत तिरुवल्लूर की प्रतिमा का फ्रांस के सेर्जी शहर में रविवार को अनावरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह प्रतिमा हमारे साझा सांस्कृतिक संबंधों का एक सुंदर प्रमाण है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि प्रधानमंत्री ने जुलाई में विश्व दिवस के लिए पेरिस यात्रा के दौरान इस संबंध में घोषणा की थी और प्रतिमा का अनावरण इसका क्रियान्वयन है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहाँ छापेमारी में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद होने पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह का कहना है कि वे बहुत हैरान हैं। आजादी के बाद किसी सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इस बाबत जवाब देना चाहिए। 2024 की रणनीति बनाने के लिए इंडिया गठबंधन की 19 दिसंबर को बैठक दिल्ली में होगी। इंडिया गठबंधन के कई दल राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर तेजी से फैसले लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की रणनीति तय करने के लिए सोमवार को विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई गई थी। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म डंकी लगातार सुर्खियों में छाई हुई है। किंग खान एक के बाद एक फिल्म से जुड़ी चीजें शेयर किए जा रहे हैं। ऐसे में शाहरुख ने अब डंकी के गाने ओ माही का प्रोमो वर्जन शेयर किया है, साथ ही अपने सभी फैंस को उनके लिए एक सवाल का जवाब भी दिया है। फिल्म एनिमल ने रिलीज के साथ अपने इरादे साफ कर दिए थे। रणबीर कपूर और बॉबी देओल स्टारर फिल्म लगातार चप्पड़फाड़ कमाई किए जा रही है। फिल्म 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। ऐसे में एनिमल ने 10वें दिन कितना कारोबार किया है ये भी साफ हो गया है। हर तरफ एनिमल के नाम का शोर है। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल रिलीज होने के बाद से तृप्ति डिमरी सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई है। इस फिल्म में रणबीर संग उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया। इस बीच एक इंटरव्यू के दौरान तृप्ति ने इस बारे में बताया कि क्या वो प्रभास के साथ फिल्म में नजर आने वाली है।
सोमवार को बिग बॉस 17 का इस हफ्ते का नॉमिनेशन टास्क होगा, जिसके बाद ये पता चलेगा कि सबसे घर से बेघर होने के लिए कौन कौन से कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं। लेकिन एपिसोड आने से पहले ही नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स के बारे में पर्दा उठ चुका है और ये साफ होगा कि इस बार कौन कौन नॉमिनेटेड है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला NBC News पर यही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ NBC News पर। नमस्कार।